नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ने देश के सबसे लंबे सी ब्रिज का उद्घाटन किया। 21.8 किलोमीटर लंबा ब्रिज मुंबई नवी मुंबई को जोड़ेगा। 2 घंटे का सफर 20 मिनट में पूरा होगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया। यह ब्रिज मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा। इससे 2 घंटे की दूरी का सफर 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। दिसंबर 2016 में मोदी ने इस पुल की आधारशिला रखी थी। दोस्तों, पुल की कुल लागत 17,843 करोड़ रुपए है। 21.8 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले ब्रिज को मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक MTHL भी कहा जाता है। पुल का 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर है, जबकि 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। इस पुल की क्षमता रोजाना 70,000 वाहनों की है। फिलहाल ब्रिज से रोज करीब 50,000 वाहनों के गुजरने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रथ यात्रा में जुड़ा था जन सैलाब, अयोध्या में राम मंदिर बनना ही था, प्राण प्रतिष्ठा से पहले बोले लाल कृष्ण आडवाणी। जी हां दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का अहम बयान सामने आया है। उन्होंने इसे भव्य स्वप्न की मूर्ति करार दिया है और कहा है कि वह अयोध्या पहुंचकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए आतुर हैं। उन्होंने इस पल को लाने, भव्य मंदिर बनवाने और संकल्प पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बधाई दी। दरअसल दोस्तों, हिंदी साहित्य पत्रिका राष्ट्रधर्म ने राम मंदिर उद्घाटन को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी से खास बातचीत की। इसमें उन्होंने रथ यात्रा तक का जिक्र किया। आडवाणी से बातचीत का यह लेख श्री राम मंदिर एक दिव्य स्वप्न की मूर्ति नाम से 15 जनवरी को पत्रिका में प्रकाशित होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जगह बदली, इम्फाल की जगह अब थोबुल से होगी शुरू। मणिपुर सरकार की शर्तों की वजह से बदलाव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की न्याय यात्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल की जगह अब 34 किलोमीटर दूर थोबुल से शुरू होगी। कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार की शर्तों की वजह से यह बदलाव किया है। राज्य सरकार ने यात्रा में 1,000 लोगों के शामिल होने की परमिशन दी थी। कांग्रेस ने इन शर्तों की वजह से जगह में बदलाव किया है। कांग्रेस के मणिपुर अध्यक्ष किशम मेघचंद ने कहा कि हमने 2 जनवरी को जिला प्रशासन से इम्फाल के हम्पा कागजेमबुग मैदान से यात्रा शुरू करने की अनुमति मांगी थी। कानून व्यवस्था का हवाला देकर पहले इससे इनकार कर दिया गया। 10 जनवरी को सीएम से मुलाकात के बाद कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति मिली। मेघचंद ने कहा कि राज्य कांग्रेस की एक टीम ने फिर से डीजीपी राजीव सिंह और इम्फाल पूर्व के डिप्टी कमिश्नर और एसपी की मौजूदगी में चीफ सेक्रेटरी विनीत जोशी से मुलाकात की थी। हमें बताया गया कि कार्यक्रम स्थल पर 1,000 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वायुसेना के AN-32 एयरक्राफ्ट का मलबा बंगाल की खाड़ी में मिला। 7.5 साल पहले 29 लोगों के साथ हुआ था लापता। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना के उस AN-32 एयरक्राफ्ट का संभावित मलबा बंगाल की खाड़ी में बेहद गहराई में पाया गया है, जो करीब 7.5 साल पहले 29 लोगों के साथ लापता हो गया था। मलबा बंगाल की खाड़ी में लगभग 3.4 किलोमीटर की गहराई पर पाया गया। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से तैनात एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल UV की ओर से ली गई तस्वीरों की जांच से पता चला है कि चेन्नई तट से 310 किलोमीटर दूर स्थित मलबा एक AN-32 विमान का है। तस्वीरों की जांच करने पर उन्हें AN-32 विमान के अनुरूप पाया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसी क्षेत्र में किसी अन्य विमान के लापता होने का कोई इतिहास नहीं है, इसलिए संभावित दुर्घटना स्थल पर यह खोज मलबे के संभवतः दुर्घटनाग्रस्त IAF AN-32 से संबंधित होने की ओर इशारा करती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बंगाल में कांग्रेस को 3 सीटें देने को तैयार TMC, लेकिन दूसरे राज्य के लिए लगा दी शर्त। जी हां दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC और कांग्रेस में पश्चिम बंगाल की सीट शेयरिंग को लेकर तकरार सामने आ गई है। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से गुरुवार को ही बताया था कि TMC कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति के साथ बंगाल के सीट बंटवारे को लेकर बैठक नहीं करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी ने रुख साफ करते हुए कांग्रेस को राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटें देने की पेशकश की थी। TMC की 2 सीटें देने की पेशकश को कांग्रेस ने ठुकराते हुए कहा था कि यह बहुत कम है, ऐसे में इसे स्वीकार करना काफी मुश्किल है। इसी बीच सूत्रों ने बताया कि TMC बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से अब कांग्रेस को 3 सीटें देने के लिए तैयार है। इसके लिए कांग्रेस को TMC को असम में 2 सीटें और 1 सीट मेघालय में देनी होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महंगाई ने तोड़ा 4 महीने का रिकॉर्ड, दिसंबर में इतना महंगा हुआ खाने पीने का सामान।
जी हाँ दोस्तों, दिसंबर में महंगाई में खुरदरा महंगाई दर बढ़ गई है। खाने पीने वाले सामान के रेट्स बढ़ने से महंगाई दर में इजाफा हो गया है। रिटेल इन्फ्लेशन पिछले महीने बढ़कर 4 महीनों के रिकॉर्ड लेवल 5.69% पर पहुंच गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI पर आधारित मुद्रास्फीति नवंबर 2023 में 5.55% और दिसंबर 2022 में 5.72% रही थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले बीते साल अगस्त में मुद्रास्फीति 6.83% के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुकेश अंबानी फिर बने भारत के सबसे अमीर कारोबारी। 8.46 लाख करोड़ नेटवर्थ के साथ अडानी को पीछे छोड़ा लेकिन दुनिया में 12वें नंबर पर आए। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एक बार फिर भारत के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। उनकी नेटवर्थ $2.8 बिलियन यानी करीब 23,000 करोड़ रुपए बढ़कर $101.8 बिलियन यानी करीब 8.46 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अंबानी जून 2022 के बाद पहली बार $100 बिलियन क्लब में भी शामिल हो गए हैं। वहीं दोस्तों अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज की 42% हिस्सेदारी है। एक सप्ताह पहले अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी नेटवर्थ के मामले में अंबानी को पीछे छोड़कर सबसे अमीर कारोबारी बने थे। तब वे ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स में 8.12 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ दुनिया में 12वें नंबर पर थे। अंबानी 8.07 लाख करोड़ के साथ 13वें नंबर पर थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों का सेना की गाड़ी पर हमला। 3 सप्ताह में दूसरी बार सुरक्षा बलों को बनाया निशाना। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में शुक्रवार को भारतीय सेना के वाहन पर आतंकवादियों द्वारा हमला किए जाने की घटना सामने आई है। शुक्रवार शाम पुंछ जिले के खेनेतर क्षेत्र में आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर घात लगाकर हमला किया, जिसके बाद जवानों को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। अभी तक किसी के घायल होने या मौत की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। फिलहाल दोस्तों गोलीबारी जारी है। इलाके को खाली कराकर सेना सर्च ऑपरेशन कर रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दूसरी तरफ से कितने आतंकी छुपे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला का जलवा, 500 करोड़ की हो गई सेल। दिल्ली से लेकर मुंबई अचानक इस चीज की बढ़ गई डिमांड। दरअसल दोस्तों पतंगबाजी करने वाले लोगों को मकर संक्रांति की बेसब्री से इंतजार रहता है। आने वाले इस दिन को आसमान में मजेदार फाइट्स देखने को मिलती है। इस त्यौहार पर बॉलीवुड थीम वाली पतंगों का मार्केट में बहुत डिमांड रहता है। आपको जानकर यह हैरानी होगी दोस्तों कि मुंबई में एक पतंग गली है। यहां पर आपको हीरो हीरोइन से लेकर 500 करोड़ क्लब की थीम वाले सभी पतंगें भी मिल जाएगी। कार्टून आकृतियों के साथ साथ जानवरों और पक्षियों की तस्वीरें वाली पतंगें भी बाजार में एक आकर्षण का बिंदु रहती है। वहीं दोस्तों इस साल बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्मों का बोलबाला रहा, इस वजह से बॉलीवुड सितारों की तस्वीर वाली पतंगों की भी डिमांड है। वहीं दोस्तों पिछले 2 वर्षों में दिवंगत भारतीय गायक सिद्धू मूसेवाला की भी लोकप्रियता बढ़ी है। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला की पतंगें लाखों में बिकती है और सबसे ज्यादा डिमांड भी सिद्धू मूसेवाला के फेस वाली पतंग की ही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमाचल कांग्रेस सरकार में कलह। विक्रमादित्य समेत 3 मंत्रियों ने कैबिनेट मीटिंग का बायकॉट किया। सीएम ने इनसे विभाग वापस लिए थे। जी हां दोस्तों, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार में पोर्टफोलियो में बदलाव के बाद कलह शुरू हो गई है। विभाग वापस लेने के बाद 3 मंत्री शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग में नहीं पहुंचे, जिनमें PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह, इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शामिल है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इनसे बीते दिनों एक एक विभाग वापस लेकर 2 नए मंत्रियों को दिए थे। सीएम ने हर्षवर्धन से आयुष, रोहित से तकनीकी शिक्षा और विक्रमादित्य से खेल विभाग वापस लिया था, जिसके बाद राजेश को तकनीकी शिक्षा और यादवेंद्र गोमा को आयुष व खेल विभाग दिया गया था। दोस्तों विक्रमादित्य सिंह के पास अब एक ही विभाग PWD बचा है। चर्चा यह है कि विक्रमादित्य सिंह भी काफी नाराज है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत ने अरब सागर में 7 और वॉरशिप भेजे। अब यहां नौसेना के कुल 10 जंगी जहाज मौजूद, समुद्री लुटेरों के हमले से रोकेंगे। जी हां दोस्तों, भारत ने अरब सागर से अदन की खाड़ी तक 7 और वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। इस पर मौजूद मरीन कमांडो सोमालिया के समुद्री लुटेरों से जहाज को बचाएंगे। इससे पहले 26 दिसंबर को 3 वॉरशिप तैनात किए गए थे। भारतीय नौसेना ने कहा कि अरब सागर में कारोबारी जहाज पर हमले बढ़ रहे हैं। इन जहाजों को समुद्री लुटेरों से बचाने और उनके ड्रोन हमले रोकने के सोमालिया के तट के पास अरब सागर और अदन की खाड़ी में डिस्ट्रॉयर्स, फ्रेगेट्स और पेट्रोलिंग बोट समेत कुल 10 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन को लेकर NCP ने साफ किया रुख, सुप्रिया सुले ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, शरद पवार नित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को कहा कि प्रकाश अंबेडकर के वंचित बहुजन अघाड़ी BBA के साथ गठबंधन को लेकर NCP का रुख सकारात्मक है। महाराष्ट्र में NCP कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे यानी कि शिवसेना UBT विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। वहीं BBA के नेता अक्सर भारतीय जनता पार्टी
हराने के लिए अपने संगठन और तीनों दलों के एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर समझौते की जरूरत की बात कह चुके हैं। वहीं दोस्तों अभी तक प्रकाश आंबेडकर एमवीवीए के हिस्सा नहीं बने हैं। हाल ही में महाराष्ट्र को लेकर इंडिया गठबंधन की हुई बैठक के बाद शिवसेना नेता संजय रावत ने कहा था कि प्रकाश आंबेडकर को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 72,720, निफ्टी 21,928 के ऑल टाइम हाई पर। रिजल्ट के बाद इंफोसिस 8% और टीसीएस 4% चढ़ा। बैंक शेयरों में भी रही खरीदारी। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 72,720 और निफ्टी 21,928 के स्तर तक पहुंचा। बाद में ये थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 847 अंक चढ़कर 72,568 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 247 अंक चढ़कर 21,894 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों आईटी और सरकारी बैंकों के शेयर में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। निफ्टी आईटी इंडेक्स 5.14% की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2024 की तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद इंफोसिस का शेयर 120 रुपए यानी कि 8.08% चढ़कर 1615 रुपए पर बंद हुआ। वहीं टीसीएस 3.92% चढ़कर 3882 रुपए पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बात करें आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज इंफोसिस, ओएनजीसी और टेक महिंद्रा रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल और बजाज फिनसर्व रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कल होगी इंडिया गठबंधन की अहम बैठक, नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है संयोजक, खड़गे बनेंगे अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया की शनिवार की सुबह 11:30 बजे बैठक होगी। सूत्रों ने बताया कि इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की इस ऑनलाइन बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों ने कहा है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल ज्यादातर दल सहमत हैं, लेकिन इसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में एक साल में 400 किलोमीटर तक बिछेगी रेलवे लाइन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में दौरे के दौरान रेलवे के काम को गति देने के साथ ही नई परियोजना पर काम करने की सहमति बनाई। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बीजेपी कार्यालय में भी मुलाकात की। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में एक विजन बनाकर अमृत भारत स्टेशन योजना 2023 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत देश भर के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 9500 करोड़ का रेलवे बजट पास किया था। इसी के तहत प्रदेश के 83 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत वर्ल्ड क्लास बनाने का काम चल रहा है, जिसमें से करीब 25-30 रेलवे स्टेशनों का काम पूरा कर लिया गया है। विधानसभा चुनाव के बाद अश्विनी वैष्णव का यह जयपुर का पहला दौरा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुकेश अंबानी एक्टर होते तो बिजनेसमैन का रोल नहीं मिलता, पंकज त्रिपाठी बोले। हमने दुनिया को लुक्स के खेल में बांटा, यह सोच बदलनी चाहिए। जी हां दोस्तों, पंकज त्रिपाठी ने कहा कि इंडस्ट्री वालों को अपनी सोच और परस्पेक्टिव बदलनी चाहिए। यहां ऐसी सोच है कि डॉक्टर है तो डॉक्टर की तरह दिखना चाहिए, इंजीनियर है तो इंजीनियर की तरह दिखना चाहिए। फिल्मों में अमीर बिजनेसमैन का रोल करने वालों का लुक ऐसे ही तैयार किया जाता है कि वो दिखने में रिच लगे। पंकज त्रिपाठी ने कहा कि उन्हें यह कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। पंकज ने कहा कि मान लीजिए कि मुकेश अंबानी इंडस्ट्रियलिस्ट न होकर एक्टर होते तो उन्हें फिल्म में बिजनेसमैन का रोल कभी नहीं मिलता। पंकज ने फिल्म इंडस्ट्री को आईना दिखाते हुए कहा कि लुक्स से किसी के प्रोफेशन का कोई ताल्लुकात नहीं होता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महिला सीईओ के साथ गोवा पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया, पहले उसने इनकार किया था दावा, बेटी को लोरी सुलाकर सुलाया फिर हत्या की। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु की महिला सीईओ सूचना सेट को लेकर गोवा पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। सीन रिक्रिएट के बाद पुलिस सूचना सेट को लेकर वापस कंक्लूड पुलिस स्टेशन पहुंच गई। इससे पहले आरोपी सूचना सेट ने गोवा के होटल में 4 साल के बेटे की हत्या का सीन रिक्रिएशन करने से मना कर दिया था। गोवा पुलिस शुक्रवार यानी कि 12 जनवरी को सूचना को उस होटल में लेकर गई थी जहां वह अपने बेटे के साथ ठहरी थी। इससे पहले पुलिस उसे मेडिकल चेकअप के लिए कैंडोलिम हेल्थ सेंटर लेकर गई थी। गोवा पुलिस ने गुरुवार को बताया था कि सूचना ने अपने बेटे की हत्या से पहले उसे लोरी सुनाई थी। ऐसा माना जा रहा है कि बेटे को सुलाने के बाद सूचना ने उसकी हत्या की होगी। सूचना लगातार एक डॉक्टर के संपर्क में थी, पुलिस उसके कॉल की डिटेल की जांच कर रही है जिससे पता चल सके कि बेटे की मौत के बाद उसने किसे फोन किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
ईरान ने ओमान की खाड़ी में ऑयल टैंकर जब्त किया, इसमें 1.45 लाख टन कच्चा तेल। टैंकर को लेकर अमेरिका के साथ तनाव। जी हाँ दोस्तों, ईरान की नौसेना ने गुरुवार को ओमान की खाड़ी में एक तेल ले जा रहे एक जहाज ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया। सेंट निकोलस नाम का यह जहाज इराक से तुर्की जा रहा था, इसमें इराकी तेल था। यह वही जहाज है जिसे अप्रैल 2022 में अमेरिका ने जब्त किया था। तब इस जहाज का नाम स्वेज राजन था। इसमें लगभग 10 लाख बैरल ईरानी तेल था। वहीं दोस्तों, अमेरिका ने यह कार्रवाई ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध के तहत की थी। हालांकि ईरान ने इसे चोरी बताया था। ईरान ने कहा था कि अमेरिका ने ईरानी तेल से भरा जहाज चुरा लिया है। इस घटना के बाद जहाज का नाम बदल दिया गया था। ताजा मामले पर ईरानी मीडिया IRNA ने नौसेना के हवाले से कहा कि ईरान की नौसेना ने अदालत के आदेश के मुताबिक ओमान की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर को जब्त किया है। ईरानी नौसेना ने कहा कि पिछले साल अमेरिका ने हमारा तेल और जहाज चुरा लिया था, जिसे हमने अब जब्त कर लिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ऋषि सुनक ने यूक्रेन की मदद के लिए खोला खजाना, कीव दौरे में 2.5 अरब पाउंड के पैकेज का ऐलान। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान जंग से घिरे देश के लिए 2.5 अरब पाउंड के पैकेज की घोषणा की है। सुनक के ऑफिस ने कहा है कि इस सपोर्ट पैकेज के जरिए अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में यूक्रेन को सहायता दी जाएगी। ब्रिटेन ने जो मदद यूक्रेन के लिए दी है वो पिछले 2 अरब पाउंड की रकम से ज्यादा है। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि यूक्रेन को दी गई इस फंडिंग से उसे ड्रोन हासिल करने में सबसे बड़ी मदद मिलेगी। ऋषि सुनक यूक्रेन की अपनी यात्रा के दौरान एक ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर करने वाले हैं। वहीं दोस्तों, ब्रिटेन और यूक्रेन का यह समझौता अगले 100 साल तक अड़िंग रहने वाली साझेदारी की दिशा में पहला कदम होगा। यूक्रेन के लिए ब्रिटिश फंडिंग में बढ़ोतरी का उद्देश्य लंबी दूरी की मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम, तोपखाने के लिए गोला बारूद और समुद्री सुरक्षा के साधन मुहैया करवाना है। इस नए पैकेज से कम 2 अरब पाउंड यूक्रेनी निगरानी के उपकरण, लंबी दूरी तक हमले के लिए हथियार और समुद्री ड्रोन सहित हजारों सैन्य ड्रोनों की तेजी से खरीद और उत्पाद के लिए खर्च किए जाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड कौन से खिलाड़ी के नाम दर्ज है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि वर्ल्ड के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है, अगर आप जानते हैं उनका नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।